क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ, दो वर्गों के योग और अंतर वाले व्यंजकों के गुणनफल। जैसे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या पहला पद प्लस दूसरे पद का वर्ग इक्वल पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। इसी प्रकार दो अंतर वाले व्यंजकों के गुणनफल, इसका फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पहले पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर इक्वल पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। ये वर्गांतर, पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर, इसके गुणनखंड होते हैं a प्लस बी ए माइनस बी, या इक्वल पहला पद प्लस दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा। इसी के आधार पर इन सवालों को देखते हैं। पहला सवाल दिया गया है जैसे वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के आधार पर देखते हैं। ये y का स्क्वायर हुआ प्लस ये 4 है, ये 2 का स्क्वायर हो जाता हो है माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो इस प्रकार से ये हो जाता है y माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से दूसरा सम आता है 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, इनको भी जो है वर्ग रूप में लिखते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2, ये होल स्क्वायर हो जाता है। इसके आधार पर देखते हैं कि ये जो है माइनस, इसका जो गुणनखंड है वो माइनस 2ab है, तो इसके आधार पर इसका ये हो जाता है 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसके बाद तीसरा सम देखते हैं x स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18x, इनको भी जो है वर्ग रूप में लिखते हैं। ये x का वर्ग होगा 81 भी 9 का स्क्वायर हो जाता है प्लस 2 मल्टीप्लाई पहला पद मल्टीप्लाई दूसरा पद। इसके बाद ये हो जाता है इक्वल x प्लस 9 का होल स्क्वायर। तीसरा सम है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर, ये तीनों जो है प्लस की संख्याएं हैं, इसलिए इनको a प्लस बी के होल स्क्वायर के आधार पर इनकी गुणनखंड करते हैं। ये 3x का होल स्क्वायर हुआ, ये y का होल स्क्वायर हुआ प्लस 2 मल्टीप्लाई पहला पद गुणा दूसरा पद। तो ये भी जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के आधार पर ये 3x प्लस y का होल स्क्वायर हो जाता है। इसी प्रकार ये होमवर्क है, इन चार समों को करना है। x स्क्वायर पहला सम है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, दूसरा सम है x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, तीसरा सम है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, चौथा सम है 9x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। अगर इन सवालों में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आगे पूछ सकते हैं।